में पुरानी कहावत है कि धन बढ़े तो बढ़े लेकिन मन नहीं बढ़ना चाहिए, और जिसका भी मन बढ़ेगा उसका वह विनाश तो है। नमस्कार अध्यक्ष जी, न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। और आज हम मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर अंचल क्षेत्र बरियारपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 11 में भोला सहनी के दरवाजे पर खड़े हैं। और आज बरसात के झमाझम बारिश भी हो रही है, लेकिन जनता का सच्चा सेवक होने के कारण जनता के समस्याओं में चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, पहुंचना मेरा नैतिक कर्तव्य है। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक छाता भी है, और आप देख सकते हैं कि छाते में भी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे हैं। मामला क्या है इसको हम बारीकियों से बताएंगे। इसी वार्ड के उपभोक्ता है भोला सहनी, चेहरे से भी भोला है और नाम से भी भोला है, लेकिन वार्ड नंबर 11 में विभा देवी जो डीलर है और उनके पति संजीत राय के द्वारा अपने ही एक उपभोक्ता पर आज हाथ छोड़ दिया गया। और हाथ ही नहीं छोड़ दिया गया बल्कि एक लगभग 60 साल के एक वृद्ध को थप्पड़ से और लात घूसे से पिटाई कर दी गई। यह मामला जब हमारे संज्ञान में आया तो हम तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए जनता है और इस छाता जब देखा तो इनको दया आ गई, अब बढ़न छाता लगा दे कि पत्रकार साहब को पानी ना गिरे। और जैसे ही घटना हुई तो हम सूचना दिए मुखिया जी को, और घटना स्थल पर जनता के सच्चा सेवक बरियारपुर पूर्वी पंचायत के मुखिया कृष्णा सहनी भी पहुंचे हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे सारी घटना को। आदरणीय मुखिया जी, देख सकते हैं कि बारिश में भी कैसे जनता की सेवा में उपस्थित है, क्या कहेंगे इस घटना को? जन वितरण प्रणाली के दुकानदार जी, एक दुकानदार के लिए उसका ग्राहक भगवान होता है जी, जी। और जब भगवान की पिटाई होने लगे तो लोकतंत्र की पतन हो जाएगी, ये घोर निंदा का विषय है। डीलर लोग का मनमानी हो गया है। अच्छा, हमरे सुनने में जब आया है तो मैं इनके घर पर आया हूँ, इनसे पता किया हूँ कि राशन लाने जब गए, दो चार दिन से कार्ड जमा था, आज गए लाने तो कहा कि आप राशन कार्ड लेके जाइए, राशन नहीं खत्म हो गया। अच्छा, इस बीच पर इन्होंने कहा कि क्यों आप राशन हमको कार्ड जमा करा लिए तो राशन क्यों नहीं दिए, तो उसी पर इनको मारा पीटा गया है, फूटफाट भी हुआ है। एक बड़ा सवाल यह है कि आप इस पंचायत के मुखिया हैं, लोगों ने आपको चुना है और आपके पास कुछ विशेषाधिकार भी है आपको अनुशंसा करने का कि ऐसे जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का लाइसेंस रद्द किया जाए जो अपने उपभोक्ताओं के साथ गुंडागर्दी करते हो, मारपीट करते हो। मेरे संज्ञान में आया है, डीलर है विभा देवी, उसका पति है संजीत राय, ने मारपीट किया है, मैं उचित कार्रवाई करूंगा और मैं एमओ बीडीओ एसडीओ कलेक्टर सबको लिख कर दूंगा, सामने से बोलिए, हाँ, सभी को लिख कर दूंगा, हाँ, कि ये गलत कर रहा है इस पंचायत के सभी डीलर, हाँ, हमने एमओ साहब से बात किया तो नहीं राशन में गेहूं चावल दोनों गया है, हाँ, लेकिन डीलर के द्वारा सिर्फ चावल ही दिया जा रहा है, हाँ, और गेहूं नहीं दिया जा रहा है, कहा जा रहा है गेहूं के बदले पैसा ले लीजिए। लगभग 60 साल की उम्र के वृद्ध को मारना कहाँ से जायज है, वो भी कब जब वो दुकान पर गया हो और राशन के लिए जो उसका अधिकार है। यह बहुत दुखद घटना है, इसके लिए मैं आगे कार्रवाई करूंगा डीलर को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कृष्ण कुमार निषाद, मुखिया बरियारपुर पूर्वी। तो आपने देख लिया कि आदरणीय मुखिया जी का जो बयान है कि यह जो है न्याय उचित कार्रवाई ऐसे जो भी दोषी डीलर है उस पर करने का अनुशंसा भी करेंगे और अपने स्तर से करेंगे, क्योंकि पंचायत की जनता ने इन्हें चुना है कि समस्याओं का हर समय निपटारा करने के लिए एक प्रधान व्यक्ति होना चाहिए। और इनका सोच भी अच्छा है कि आज अगर एक डीलर ने थप्पड़ लगाया तो कल दूसरे डीलर जो है लाठी भी लगाएगा, और कार्रवाई अगर हो जाएगी तो शायद उपभोक्ताओं के साथ इस तरह का बदतमीजी नहीं होगा। मामला है, कटरा दो तीन दिन से दौड़ा रहा है। कौन दौड़ा रहा है? विभा देवी। विभा देवी कौन है? डीलर है। कितना नंबर वार्ड में? 10 नंबर। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो हम गए तो कहे से हमको राशन दे, तो संदीप राय के ओकर व्यक्ति हम पर हाथ चला दिया, मारा इस डाल पर खून दिख दिया। अच्छा, और हाथों से मारा, कुर्सी उठाया तो लोग सब कुर्सी छीन लिया, हाथों से मारा।
सब मारा था, फूट गया है सब। तो ये बताइए कि आप क्या करेंगे आगे? तो हम आगे केस कर हम आप थाना पर जाए, हम थाना पर जाइएगा। आपका नाम क्या हुआ? विभा कुमारी। विभा कुमारी। विभा कुमारी जी। अच्छा, तो आपका दुकान का संख्या कितना हुआ? अनुगुप्त की संख्या अनुगुप्त संख्या नहीं मालूम आपको? सही बात है, जानते हैं। अच्छा अच्छा, दुकान आपके नाम से लाइसेंस है? जी हाँ जी। अच्छा, आपका अभी ग्रामीणों से मारपीट हुआ था? हुआ, राशन के लिए वहाँ बैठे हुए थे, उधर से माने के नाम कहती है भोला सहनी था, वही आए हैं तो बोले हैं से हमको राशन दीजिए, तो ये बोले हैं से कल तो मशीन बंद हो गया से अभी महीना का चालू हो जाएगा, तो नहीं हमको चाहिए यही महीना राशन, इसमें हमको चाहिए तो चाहिए। दुकान आपका अभी प्रेजेंट में किधर है, थोड़ा दिखा दीजिए कैमरे पर। ताला खोल के बताइए, राशन दिखा दीजिए कैमरे पर, दुकान आपका है कहाँ पर? दिखा रहे हैं खोल के। तबीयत आपका काफी ज्यादा खराब है? जी पूरा जी। मार्केट में जो है कि उनके साथ बहुत लोग आया था, लेडीज जेंट्स दोनों आया था, हमको भी खोज रहा था से कहां उसको मारेंगे घींच के, डीलर को बुलाओ, तो हम बोले ऐसे आप नहीं निकलिएगा, हमको बोले ऐसे आप घरे में रहेंगे तो कौन ठीक, कोई घींचे तुम रास्ते बची तो खत्म हो जाएगी, इसी के कारण हम नहीं निकले हैं अंदर से। कहां है थोड़ा सा दुकान मुझे दिखा दीजिए, आप साथ में थोड़ा सा एक कदम चल लीजिए क्योंकि घर आपका है तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। इधर उधर अरवा चावल सब नहीं ले रहा है, इधर गेहूँ रहता है, हम की राशन बहुत कम से ही आया था, ये अरवा चावल इधर गेहूँ तो तीन बोरा है, तीन बोरा है। हाँ यही भरता नहीं है, यही नहीं भरता है राशन से, तो कहाँ से हम बेसी आदमी को राशन देंगे? अब उस घटना स्थल के भी सीन को अब आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर उनके साथ मारपीट हुई है, और डीलर विभा देवी का भी बयान को हम आपके सामने रख रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।